हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पवार फ्रॉम पावर विद इन साइकोलॉजी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनटीए ने अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि 13 जून से 22 जून के बीच में हमारे एग्जाम्स होंगे सभी सब्जेक्ट्स के। साथ ही साथ में जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो चुके हैं और आपके 31st of May 2023 तक आपके फॉर्म्स खुले हुए हैं। तो डिटेल में इस नोटिफिकेशन को और चीजें जानने के लिए आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एग्जाम जो आपका जून में होने वाला है उसके लिए जरूर कम समय है, लेकिन आपको प्रिपरेशन आज के दिन स्क्रैच से नहीं शुरू करनी है। आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है वहां से जहां पे आपकी नॉलेज बिल्ड हो रही है। तो अगर आपका मास्टर्स इन साइकोलॉजी का चाहे सेकेंड ईयर पूरा होने वाला है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, अगर आप जून 2023 के नेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा काम रहे, कंपोज्ड रहे और अपने ऊपर और जो कुछ आपने साइकोलॉजी में पिछले 1-1.5-2 साल या आपके पास बैचलर्स था, 11th-12th में साइकोलॉजी था, उस नॉलेज पर ट्रस्ट करें। और ये वाला जो एक महीना है इसके अंदर थोड़ा सा नया कंटेंट अगर आपको फ्रेश करना है वो कर लीजिए। उसके बाद में आपका मोड इस समय पे रिवीजन की तरफ होना चाहिए और साथ ही साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ होना चाहिए। इस चीज की मदद के लिए पावर विद इन ऑलरेडी जून 2023 के बैचेस चला रहा था जो हम लोगों ने फरवरी में स्टार्ट कर दिए थे और साथ ही साथ में दिसंबर 2023 के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशंस ओपन कर दी है, जिसको चेक करने के लिए आप चाहे तो पावर विद इन की ऑफिशियल वेबसाइट powerwithinpsychology.com पर जा सकते हैं। अब आइए नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ की नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर, जहां पे आप यूआरएल एंटर करते हैं, वहां पे ugcnet.nta.nic.in इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, यूजीसी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट। और इसके अंदर इस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि पोर्टल खुल चुका है, उसकी नोटिफिकेशन है, प्लस शेड्यूल इन्होंने जारी करा है जिसके अंदर डेट्स बताई हैं, किस डेट पे कौन सा एग्जाम होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी आना बाकी है और कुछ टाइम में ये इंफॉर्मेशन सभी को क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर इन्होंने बना के हमें दे दिया है। वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं जून 2023 के एग्जाम्स के लिए वो नीचे की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2023। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप मिल जाएगा, जिस पॉपअप पे आपको कुछ नहीं करना, बस ओके क्लिक करना है। ओके करते ही अगर आपका पॉपअप ब्लॉक हो जाए इस तरीके से, क्योंकि 1-2 बार हम लोगों ने खोल लिया था, तो यहाँ पे ऑलवेज शो पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में इस तरीके से आपका पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल में ऑटोमेटिकली जून 2023 के लिए ये एप्लीकेशन है, तो यहां पर आप या तो साइन इन कर सकते हो अगर आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, और अगर आप नए कैंडिडेट हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में यहां पर प्रोसेस आ जाएगा। पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद उन्हीं क्रेडेंशियल्स का यूज करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में उसको क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए कि कहीं उसमें कोई डिटेल ऐसी तो नहीं है जो आपसे गलती से टाइप हो गई है, नाम में, उम्र में। ये चीजें बाद में करेक्शन होने में बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देती है। तो और लास्ट में आपको फीस सबमिट करनी है। यहीं पर आप चाहे तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो डाउनलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन्होंने सारे की सारी चीजें हम लोगों को अभी ऑलरेडी नहीं दी है, ब्रोशर पूरा का पूरा प्रॉपर शेड्यूल जिसके अंदर कौन सा एग्जाम कब है, ये कुछ टाइम में जारी करेंगे। तो इसलिए जैसे ही हम लोगों ने उस पर क्लिक करा वापस से होम पेज पर आ गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे आपकी फीस है, जनरल कैटेगरी के लिए ₹1150 है फॉर्म की फी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी ₹600 फीस है, एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड थर्ड जेंडर के लिए ₹325 फीस है,
और जो सर्विसेज और जीएसटी जो भी है ये सब बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा आपको होगा, तो जो फाइनल अमाउंट होगा उसमें कुछ एडिशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या मोड ऑफ पेमेंट आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपरली आपको सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, कुछ गाइडेंस दी हुई है कि किस तरीके से आप स्कैन्ड इमेज को अपलोड कर सकते हैं, किस तरीके से जो प्रॉपर उन लोगों ने टाइप साइज इन सब में जो लिमिटेशंस दी है उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, फी पेमेंट के रिगार्डिंग, पासवर्ड, ये बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद में आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो कि इन्होंने दिया हुआ है, पर उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन अटैच्ड नहीं है। यहां पर करने के बाद ही आप इसको प्रोसीड कर पाएंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड कर लेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, पासवर्ड आप अपना चूज कर सकते हैं, और यहां पर आप सिक्योरिटी पिन जो कि यहां पे मेंशन्ड है उसको डालने के बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, तो इसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसके बाद में आपको फी पेमेंट करनी है, जिसके बाद आपके पास एसएमएस और ईमेल से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है, आपने अपनी पेमेंट पूरी कर दी है, और उसके बाद ही आप जून के एग्जाम में बैठ सकेंगे। उसके बाद में आइए थोड़ा सा नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे क्लिक करते ही आपकी एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, जिस पीडीएफ फाइल को मैं दिखा देता हूं, ये आपकी पीडीएफ फाइल है जिसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, जो 10 मई को ऑफिशियली पब्लिक नोटिस इन्होंने रिलीज किया है। सो ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2023। तो इस शेड्यूल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सबमिशन है ऑनलाइन फॉर्म का वो 10 मई से 31 मई के बीच में है, एंड 31 मई को अप टू 5 PM। आप अगर लेट फिल कर रहे हैं तो आप अगले दिन 1 जून 2023 को 11:50 रात तक आप अपनी अमाउंट जो है आपकी एडमिशन फी उसको पे कर सकते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन में अगर कुछ बेसिक करेक्शन करना है तो आप 2 से 3 जून तक कर सकते हैं। जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस है, सेंटर्स जहां पे होंगे आपके, क्या क्या शहर है, वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा। एडमिट कार्ड आपके सेकेंड वीक ऑफ जून में आएंगे। डेट्स आपकी एग्जाम्स की 13 से 22 जून के बीच में है। कौन सा कब होगा ये जब ऑफिशियली बुलेटिन आपको रिलीज कर दिया जाएगा उसमें क्लियर हो जाएगा किस डेट को कौन सा एग्जाम होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे आपका वही फी का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने वहां देख लिया था और बेसिक गाइडलाइंस। तो ये सारी के सारी चीज आप लोगों को मोटिवेशन लेके आएगी। अगर किसी भी तरीके से ये नोटिफिकेशन किसी भी लेवल पे जरा सा डर अगर आपके अंदर पैदा कर रही है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस डर का सामना आज ही आपको करना है। और अगर आज हमने इस डर का सामना कर लिया तो कल से हम लोग अपना बेहतर समय जो है वो प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो दिसंबर 2023 के लिए टारगेट कर रहा है वो जून 2023 का एग्जाम भी दे। फायदा ये रहता है एग्जाम देने का कि नंबर एक, आपको आदत पड़ती है एग्जाम में बैठने की, नंबर दो, क्वेश्चन का अंदाजा लगता है, नंबर थ्री, आपको पता चलता है कि जब आप ब्लैंक या जो भी स्टेट में आप दे रहे होते हो उस स्टेट में ऑन एन एवरेज आपका किस तरीके का स्कोर रहा, विच बिकम्स अ गाइडिंग फैक्टर इन योर प्रिपरेशन फॉर दिसंबर 2023। तो इसीलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जून 2023 का एग्जाम आप दे, चाहे आप जून 2023 को प्लान कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। और जो लोग दिसंबर 2023 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हम लोग 2 स्पेशल लाइव कोर्सेज लेके आए हैं हमारी वेबसाइट और ऐप पावर विद इन साइकोलॉजी पर, जिसमें पहला है आपका यूजीसी नेट जीआरएफ का, जिसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कंप्लीट तैयारी हम लोग कराते हैं, और साथ ही साथ में एमफिल प्लस यूजीसी नेट जीआरएफ बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 इंटीग्रेटेड लाइव कोर्स आपके लिए हम लेके आए हैं, जिसमें हमारा नेट का टारगेट है दिसंबर का और एमफिल का टारगेट है जनवरी 2024 का।
तो ये इसमें से किसी भी चीज के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया है उससे डायरेक्टली हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो, और इससे रिलेटेड किसी भी सवाल के लिए आप हमें रीच आउट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।